एलएसआई कीवर्ड क्या है, एलएसआई कीवर्ड कैसे यूज होता है और क्यों यूज करना चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा इस वीडियो में। आप एंड तक देखते रहिए। हेलो एवरीवन, आई एम सोइका चटर्जी एंड वेलकम टू आवर चैनल BTN Academy। सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन का जो प्लेलिस्ट है उसमें आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है LSI कीवर्ड। LSI का मतलब क्या है? LSI मींस लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड। लेटेंट का मतलब है, जैसे हम लोगों ने स्कूल में फिजिक्स क्लास में पढ़ा था कि लेटेंट ही जो आइस से वाटर होने में हेल्प करता है, वाटर से वेपर होने में हेल्प करता है, तो वैसे ही ये लेटेंट है, दैट मींस छुपा हुआ है। देन सीमेंटिक, सीमेंटिक मींस सिमिलर और जिसका मीनिंग सेम है। हम लोग इसको सिनोनिम पकड़ सकते हैं या सब्स्टिट्यूशंस भी बोल सकते हैं। और इंडेक्सिंग का मतलब तो आप जानते ही हो, इतना सारा क्लासेस के बाद आई होप इंडेक्सिंग इज फैमिलियर वर्ड टू यू। नाउ ये जो लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड्स है वो एक्चुअली है क्या, चलिए गूगल पे हम लोग देखते हैं। सपोज हमने एक कीवर्ड टाइप किया कार रेंटल इन गोवा। नाउ कार रेंटल, कार का सिमिलर वर्ड क्या है? ऑटो, लग्जरी कार, चीप कार। रेंटल उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं हायर से, कार हायरिंग। तो ये जो LSI कीवर्ड्स है ये आपको दिखा देगा गूगल खुद। यहां पे आ जाओ एकदम नीचे रिलेटेड सर्चेस। सो दीज आर योर सीमेंटिक कीवर्ड और LSI कीवर्ड। सेल्फ ड्रिवन कार रेंटल इन गोवा, कार रेंटल इन गोवा प्राइस, चीपेस्ट कार रेंटल, कार रेंटल गोवा विद ड्राइवर, बेस्ट कार रेंटल इन गोवा एयरपोर्ट। सो ऑल दीज आर LSI कीवर्ड। नाउ LSI कीवर्ड यूज करने का फायदा क्या है? सपोज एक ब्लॉग है या वेब पेज है, यहाँ पे आपने ये कार रेंटल के बारे में कुछ कंटेंट लिखा है। नाउ इसके अंदर अगर ये सारे LSI कीवर्ड्स आप इंक्लूड करोगे एज ए ऑक्सिलियरी, एज ए सपोर्टिव, तो आपका जो कंटेंट है वो क्या होगा, थोड़ा रिच होगा और यूजर के लिए वो ज्यादा यूजफुल होगा। आप लोगों को तो पता ही है कि गूगल ऑलवेज फोकसेस ऑन यूजर एक्सपीरियंस। अगर आपका जो कंटेंट है, आपका जो कॉपी है, वो यूजर को अच्छे तरीके से गाइड कर रहा है तो गूगल भी उसको ऑनर करता है और आपका पेज का रैंकिंग अच्छा होने का चांस ज्यादा होता है। आपका पेज का बाउंस रेट कम होता है, लोग ज्यादा देर तक आपका पेज में रहते हैं, दैट मींस रिटेंशन लेवल इज हाई। हम लोग जैसे जानते हैं कि सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन इज इंटेंट बेस्ड, दैट मींस लोगों को जरूरत है और उसके लिए वो सर्च कर रहा है। ऐसा नहीं है कि यू आर रीचिंग देम, दे आर सर्चिंग एंड कमिंग टू यू। तो यहाँ आके जितना रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो सारे अगर आपको मिल जाता है तो दैट क्रिएट सम गुड यूजर एक्सपीरियंस। जैसे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग देते हैं, तो ये ट्रेनिंग जो है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। सो दीज आर ऑल LSI कीवर्ड्स। जिसको जो भाषा पसंद है उसको वो मिल जाएगा यहाँ पे। हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने सर्च कर रहा है डिजिटल कैमरा, तो डिजिटल कैमरा जब सर्च कर रहा है तो डिजिटल कैमरा के साथ साथ जो रिलेटेड कीवर्ड्स है, दैट मींस आप नॉर्मली सोचो कि डिजिटल कैमरा के साथ क्या आ सकता है। जैसे डिजिटल कैमरा का क्या मेगापिक्सल है, रिकॉर्डिंग का क्या फ्रेम रेट है, उसका शटर स्पीड क्या है, उसका ISO का रेंज क्या है, वो ये सारे इंफॉर्मेशन वो डिजिटल कैमरा के साथ रिलेटेड है।
सो अगर आप ये सारे कीवर्ड्स को आप अपना कंटेंट में यूज करेंगे तो आपका कंटेंट का रैंकिंग हायर होने का ज्यादा चांसेस होता है। सो फ्रेंड्स, ये था LSI कीवर्ड्स। अगर आपको कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुआ है तो प्लीज पुट ए लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड कॉलीग्स। और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए। सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन, एजेंसी बिल्डिंग, करियर बिल्डिंग, ये सब टॉपिक का ऊपर बहुत सारा वीडियोज आने वाला है। मैं चाहता हूं कि आप ये मिस ना करो। तो दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।